13 साल पहले कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी रश्मि देसाई, ऐसे बचाई थी अपनी जान। वेल हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई इन दिनों काफी सुर्खियों में रही है। इस टीवी शो से जहां अपनी बोल्ड पर्सनालिटी से रश्मि देसाई ने एक बार फिर से अपने फैंस के दिलों पर राज कर लिया था, तो वही वो घर से बाहर आने के बाद जमकर पार्टियां, इंटरव्यूज और काम के सिलसिले में काफी बिजी भी है। हाल ही में अदाकारा ने एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू दिया, जिसमें अदाकारा ने खुद से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना के बारे में बता दिया है। ये तो आप सभी जानते ही है कि आज रश्मि देसाई जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं। वो उन अदाकाराओं में से एक है जो अपने दम पर आगे बढ़ी है और खूब नाम कमाया भी है। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसी कहानियां होती है जो इस दुनिया की खूबसूरती पर काला दाग लगा देती है। दोस्तों, ऐसे एक धब्बे का नाम है कास्टिंग काउच, जिससे कई एक्टर एक्ट्रेस गुजरे होते हैं, तो कभी कई एक्टर एक्ट्रेस बनने से पहले ही दम तोड़ लेते हैं। हाल ही में एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने ऐसे ही कोरोना सच के बारे में बता दिया है, जिसे सुनकर उनके फैंस को भी उन पर एक बार फिर से गर्व होने लगेगा। दोस्तों, अदाकारा ने बताया है कि वो 13 साल पहले एक ऐसी ही घटना से गुजर चुकी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत से इस दौर का सामना किया था। अदाकारा ने ये बताया है कि वो उस वक्त महज 16 साल की थी। उत्तरन स्टार ने कहा था कि उसका नाम सूरज था। मुझे नहीं पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उन्होंने मेरे स्टैटिस्टिक यानी कि शरीर का नाप के बारे में पूछा और उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता है, वो मेरी जिंदगी में पहला इंसान था जिसने मेरा शोषण करने की कोशिश की थी। इसके आगे अदाकारा ने कहा है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं था और उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश करने की पूरी कोशिश की थी। मैं लगातार कहती रही कि मैं ये नहीं करना चाहती। किसी तरह से वो मेरे दिमाग को काबू करना चाहता था। मैं मुश्किल से पीछा छुड़ाकर वहां से करीब 2-2.5 घंटे के बाद बाहर निकली और मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद हम दोनों दूसरे दिन दोबारा मिले और मेरी माँ ने उसे करारा थप्पड़ भी दिया था। बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट रहे रश्मि देसाई के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से कास्टिंग काउच की घिनौनी सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन अदाकारा ने इन परेशानियों के बावजूद इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है और बिग बॉस 13 की फिनाले में भी वो सेकंड रनर पर साबित हुई है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।